हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल कंसल्टेंट। आई एम निखिल। तो चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल 1.1 इंट्रोडक्शन एंड द मोस्ट अवेटेड चैप्टर, चैप्टर 4, व्हाट इज बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कंसल्टेंसी, दैट इज बीपीडीसी फर्म। सो गाइस, जब आपको एक घर बनाना होता है तो उसका कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है। तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं जो कि हमें कंप्लीट करने होते हैं, और उसके बाद ही हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली प्लॉट पे चले गए लेबर लेके और वहां पे आपने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चालू कर दिया। उसके पहले भी कुछ प्रोसेस है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको कंप्लीट करना है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, चलिए देख लेते हैं। सैंक्शन प्लान। देखिए, आपको कहीं पे भी घर अगर बनाना है तो घर बनाने से पहले आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से आपको परमिशन लेना होता है। वो परमिशन लेते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं कि आपका घर कैसा बनने वाला है, कौन से लोकेशन पे है, आपका प्लॉट नंबर गट नंबर क्या है, और आपने कितनी जगह छोड़ी है आजू बाजू से, मतलब बायलॉज वगैरह जो होते हैं, आपका FSI वगैरह होता है, उसके हिसाब से आपको घर बनाना होता है। तो इस ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट शो करता है वो होता है सैंक्शन प्लान। सैंक्शन प्लान में हम सारी चीजें मेंशन करते हैं आपके घर के बारे में, एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे नगर परिषद हो गई या फिर ग्राम पंचायत हो गई, MNC हो गई, तो ऐसी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है यहाँ पे आपको NMC हो गई, यहाँ पे आपको जाके ये सैंक्शन प्लान सबमिट करने होते हैं, और फिर वहां से अप्रूवल मिलने के बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। देन गाइज, जैसे आपको अगर मान लीजिए कि कुछ मनी प्रॉब्लम है या फिर आपको लोन लेना है बैंक की तरफ से, तो बैंक के भी कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपको सैंक्शन प्लान NMC से मिल गया, उसके बाद आपको एस्टिमेट भी बनाना है कि आपका घर कितने, मतलब क्या बजट है आपके घर का, कितने में पूरा बन जाएगा प्लानिंग के हिसाब से, ये सारी चीज़ों का आपको इंजीनियर की तरफ से एस्टिमेट बनाना होता है। साथ ही साथ आपका जो प्लॉट है वो लीगल है नहीं है, इस हिसाब से वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाना होता है कि राइट नाउ मार्केट में उस प्लॉट की क्या वैल्यूएशन है, तो उसका एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनता है। प्लॉट लीगल होना बहुत जरूरी है इसके लिए, अदरवाइज बैंक आपको लोन नहीं देगी। NATP प्लॉट होना जरूरी है। देन आपका एक्चुअल में जैसा भी घर बनने वाला है, आपने जो भी प्लानिंग की है, हॉल कहाँ पे रहेगा, बेडरूम कहाँ पे रहेंगे, किचन कहाँ पे रहेगी, आपका डाइनिंग रूम कहाँ रहेगा, और बाकी सारे जितने भी यूनिट्स आप घर में ऐड करना चाहते हैं, ये सारे यूनिट के हिसाब से आपका जो वर्किंग ड्राइंग एक बनता है, ये आपको किसी इंजीनियर की तरफ से बनाना होता है। देन प्लानिंग के साथ साथ फिर उसका एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी बनता है कि आपके कॉलम के साइजेस क्या रहेंगे, बीम के साइजेस क्या रहेंगे, फुटिंग के साइजेस क्या रहेंगे, आपको स्टील कौन सा यूज करना है, कितने mm का यूज करना है, कितने डिस्टेंस पे यूज करना है, ये सारी जो चीजें हैं ये स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग में आती है। तो अगर आपको सेफ साइड आपका घर बनाना है और एक अच्छा कंस्ट्रक्शन आपको बनाना है, तो जनरली आपको एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है जो कि ये सारी चीजें आपको इसमें गाइड करता है। देन कॉलम के साइजेस एंड पोजीशनिंग सब सेट होने के बाद उसका हम एक सेंट्रल लाइन प्लान बनाते हैं जिसको हम लेआउट प्लान भी बोलते हैं, एंड लेआउट प्लान के हिसाब से ये सारी चीजें बनने के बाद फिर आप प्लॉट पे जाके मार्किंग करते हो और वहां पे पोजीशनिंग सेट करते हो प्लॉट पे कि आपको कहाँ कहाँ पे पीट्स एक्सकैवेट करना है, एक्सकैवेशन कहाँ कहाँ पे करना है आपको, और कॉलम की पोजीशनिंग आपकी क्या आने वाली है। साथ ही साथ जैसे अभी घर बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं दिन ब दिन, तो लोग फर्नीचर प्लान भी बनाते हैं, 3D ड्राइंग्स भी बनाते हैं, जैसे कि एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, इन सारी चीज़ों की भी हम ड्राइंग्स बनाते हैं। और इसके साथ ही आपका प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइंग भी बनता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ड्राइंग्स है जो कि आपको बनाने होते हैं। अब गाइस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सारे के सारे ड्राइंग्स बनाना कंपलसरी है, जी नहीं, लेकिन जो ड्राइंग्स गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं और जो ड्राइंग्स बैंक से जुड़े हुए हैं, इतने मिनिमम ड्राइंग्स तो आपको बनाना ही होता है, अदरवाइज उसके बिना गवर्नमेंट आपको घर बनाने का परमिशन नहीं देगी। और अगर बैंक से आपको लोन लेना है तो बैंक भी आपको लोन तभी देगी जब उनके जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है
वो आप किसी इंजीनियर की तरफ से बना के वहां पे सबमिट करते हैं। बाकी जो बचे हुए ड्राइंग्स है, जैसे फर्नीचर प्लान है, 3D ड्राइंग्स है, आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बनाना है या नहीं बनाना है किसी इंजीनियर की तरफ से। अगर आप चाहते हो किसी इंजीनियर की तरफ से बनाए तो अच्छी बात है, और अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसकी तरफ से आप थंब रूल के हिसाब से ये सारा बना दोगे तो भी आप वहां से बना सकते हो, इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। सो गाइस, अब जिस भी बंदे को घर बनाना है उसे ये सारे या इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, तो ये डॉक्यूमेंट्स वो कहाँ से बनाएगा? इसके लिए उसको जरूरत है एक टेक्निकल पर्सन की या कोई टेक्निकल फर्म की। तो इसी टेक्निकल फर्म को या इसी टेक्निकल पर्सन को हम कहते हैं बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कंसल्टेंसी फर्म। सो द फर्म विच प्रोवाइड सम और ऑल अबोव सर्विसेस दैट इज इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कंसल्टेंसी फर्म दैट इज BPDC फर्म। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी बना के देगा वो एक कंपनी भी हो सकती है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। ये मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग डिग्री और आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल डिजाइनर, इनमें से कोई एक पर्सन होगा या इनमें से कोई एक कंपनी होगी जिनमें ये सारे पर्सन काम करते हैं। तो गाइस, अब हम ये कह सकते हैं कि BPDC फर्म मतलब क्या है। BPDC फर्म एक ऐसी कंपनी या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो किसी भी पर्सन को घर बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, इंजीनियर डॉक्यूमेंट्स है, वो बना के देने में मदद करती है या फिर वो खुद सारा डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ करके उनको प्रोवाइड करती है, तो उसे हम कहते हैं BPDC फर्म। आई होप आपको यह समझ गया होगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है BPDC फर्म का और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है BPDC फर्म का। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि BPDC फर्म ओपन करने के लिए हमने जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, ये सारे जो हमने ड्राइंग्स डिस्कस किए, ये सारे के सारे प्रोवाइड करें। जी नहीं, BPDC फर्म इनमें से कुछ भी प्रोवाइड कर सकती है और सब सारे के सारे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि वो BPDC फर्म टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, उनके पास कितनी टीम है, या फिर कोई अगर इंडिविजुअल रन कर रहा है तो वो इंडिविजुअल को कितना नॉलेज है ड्राइंग्स का भी, और अगर वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो सॉफ्टवेयर्स का भी। तो ये सारी चीजों का नॉलेज बेस उसका डिपेंड करेगा कि वो कितने सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। बट बेसिकली BPDC फर्म का काम ये है कि एक घर बनाने में वो जो भी पर्सन घर बनाने वाला है, जो ओनर है, उसकी हर तरह से सहायता करे, हर तरह से मदद करे। ये BPDC फर्म का मेन रोल है। आपका BPDC फर्म कितना बड़ा है ये डिपेंड करेगा कि आप कितने बड़े प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो इस पे। आप अगर छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं, 2BHK है, 3BHK, G+1, G+2 प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैंडल कर पा रहे हो तो आपका BPDC फर्म एक बेसिक लेवल पे। अगर आप कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैंडल कर पा रहे हो या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैंडल कर पा रहे हो तो हम ये कह सकते हैं कि आपका BPDC फर्म बड़े लेवल पे काम कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपकी टीम और बाकी सारी चीज़ों पे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप छोटे से BPDC फर्म स्टार्ट कर सकते हो। छोटे प्रोजेक्ट लीजिए स्टार्टिंग में, वहाँ से अपना BPDC फर्म और खुद का नॉलेज दोनों साथ साथ बड़ा करते ले जाइए। फिर जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, वैसे वैसे अल्टीमेटली आपका जो फर्म है वो भी ग्रो करना चालू हो जाएगा। ओके गाइज, सो दिस वॉज अबाउट BPDC फर्म। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।